हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स डिस्कस। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड वर्कशीट नंबर 52। और यह वर्कशीट आपका होगा 6 नवंबर 2020 के लिए। तो आइए, आज हम पढ़ेंगे त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, इस चैनल पर आप सभी के लिए 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट सॉल्यूशन करके प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि आप अपनी स्टडी को बेहतर तरीके से बूस्टअप करते रहें और सेल्फ स्टडी करने का टाइम अच्छे से मिले आपको। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई, यह आपका 6 नवंबर 2020 के लिए वर्कशीट है। तो देखिए क्रियाकलाप कह रहा है, एक वृत्ताकार कागज काटिए, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनती है और दो त्रिज्याएं खींचिए। कॉपी पर चिपकाए एवं दिए गए भागों को दर्शाए, यानी केंद्र त्रिज्याखंड त्रिज्याखंड चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण एवं चाप। अब देखिए, विद्यालय के बाहर की मतलब साल में जो है ना, जो बार वार्षिकोत्सव के अवसर पर अंजलि और रोहन स्वागत क्षेत्र की सजाने के लिए रंगोली बना रहे हैं और 35 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार भाग के किनारे पर बॉर्डर बनाने के लिए उन्हें एक डोरी की आवश्यकता है। इस डोरी की लंबाई उन्होंने इस प्रकार ज्ञात की है। तो ये अल्टीमेटली ये देखिए, एक डोरी की आवश्यकता है, तो अर्थात ये किसी वृत्त की परिधि होगी। क्या होगी? परिधि। परिधि क्या होता है? 2 पाई। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, यानी पाई का वैल्यू 22/7 और इसमें जो है ना आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 35 सेंटीमीटर। तो इसमें पुट करेंगे तो ये आपका दो टोटल निकल के 220 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें देख रहे हैं। देखिए, यदि हम किसी रंगों के रंगोली बनाए तो प्रत्येक त्रिज्याखंड की संगत चाप के लिए कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी। चाप की परिधि का एक भाग होती है, अर्थात चाप की लंबाई जो है ना, त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई आपको ये याद रखना है, थीटा बटे 360, 2 पाई आर या थीटा बटे 360। ठीक है, अब देखिए आपको ये जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल आपके जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस है। ठीक है, जो आपके एक्सरसाइज है उसके एक सारे एग्जाम्पल उसके क्वेश्चंस उठा करके ऐसे दे रहे हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोग जो एक्सरसाइज है उसको भी बेहतर तरीके से समझ लें और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी समझ लें। ओके फ्रेंड्स, तो आइए एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित होता है, इस प्रकार त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई ज्ञात करना। तो ये देखिए, आपको त्रिज्याखंड की रेडियस 21 सेंटीमीटर दी और थीटा कितना 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और रेडियस आपका कितना 21 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई होती है थीटा बटे 360 2 पाई आर। तो थीटा बटे 360 टू इंटू पाई का वैल्यू आप 22/7 लेंगे और इंटू 21, तो इसको जब काटेंगे और ये सॉल्व करेंगे तो ये 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। एक 20 सेंटीमीटर तार के टुकड़े को चाप के रूप में जोड़ने पर उसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का अंतरित कोण होता है, इसकी त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करना है। तो माना कि त्रिज्या की लंबाई आर होती है, कितना आर होती है, और चाप की लंबाई एल यानी 20 सेंटीमीटर होता है, और थीटा कितना 90 डिग्री दिया, ये कितना है आपका 90 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, आप वैसे भी देख रहे हैं ये समकोण बना रहा है। ठीक है, तो त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बटे 360 2 पाई आर। तो थीटा बटे 360, तो चाप की लंबाई 20 दे रखा, थीटा बटे 360 इंटू 2 इंटू 3.14 पाई का वैल्यू, और आर निकालना है, तो आप ऐसे निकालेंगे तो ये 12.73 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर सेकेंड थर्ड देखते हैं। ये एग्जाम्पल आपके जो है ना एनसीईआरटी बुक के भी है, जो क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी बुक के जो एक्सरसाइज है वहीं से ये सारे एग्जाम्पल पूछे जा रहे हैं आप लोगों के लिए। 36 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 42 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो आर कितना 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए इक्वल टू 42 पाई सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई एल है, तो चाप द्वारा केंद्र पर बना आंतरिक कोण थीटा डिग्री होता है, तो थीटा अपन में 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा, और ये आपका जो है ना त्रिज्याखंड की जो है ना क्या है, यहाँ देख लीजिए एक बार, ये त्रिज्याखंड की आपको जो है ना क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है। ठीक है,
तो ये यहाँ पे आप डालेंगे और उसका थीटा बटे 360 इंटू पाई इंटू, और ये आर का वैल्यू 36 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जब आप निकालेंगे तो ये आपका टोटल निकल के 7.33 सेंटीमीटर इतना आंसर आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब आइए हम स्वयं प्रयास करें, इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्व करते हैं, एक एक करके अच्छे से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड की संगत चाप को जो केंद्र पर 30 डिग्री केंद्रित करती है तो कोण बना दे, तो आपको जो है ना इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। बहुत ही आसान सा आज का वर्कशीट है आपका। देखिए यह वर्कशीट आपका 6 नवंबर 2020 के लिए, कार्यपत्र 52, और ये सब्जेक्ट गणित, ठीक है। स्वयं प्रयास कीजिए। अब देखिए इसमें जो दिया हुआ है आपको उसी तरह बनाना है जो पहले आपने बनाया। देखिए आपको क्या करना है, ये सर्कल इसे बना देना, ये सर्कल सर्कल, ठीक है, ये सर्कल। तो अगर ये 21 सेंटीमीटर है तो ये भी 21 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा इसका त्रिज्या, ठीक है। ये बी ए और ये ओ हमने मान लिया, तो त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ओ थीटा यानी 30 डिग्री है। तो चाप त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई अभी बताया था, त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई थीटा बटे 360 टू पाई आर होता, तो 360 इंटू 30/90, 360 इंटू 2 पाई आर, 2 × 22/7 × 21। तो इसका जब अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन निकल के कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए दी गई आकृति में त्रिज्याखंड का परिमाप ज्ञात करना है, ये जो आकृति है ठीक है, ये आपका 10.5 है तो ये भी 10.5 हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल कितना 60 डिग्री का बना रहा है, आइए इसे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ देखिए ये 10.5 है तो ये भी 10.5 ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए तो त्रिज्या इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर गिवन है और थीटा कितना 60 डिग्री गिवन है, ये 60 डिग्री। तो त्रिज्याखंड की परिमाप क्या होता है, चाप की लंबाई प्लस त्रिज्या, या फिर दो त्रिज्या कह सकते हैं इसको। तो चाप की लंबाई थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर होता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी 2 पाई आर होता है। तो आप इसमें जो है ना क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा बटे 360, तो 60/360 और 2 × 22/7 इंटू जो है ना 10.5 इसका जो दे रखा है, क्या दे रखा है त्रिज्या, तो अपन तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, इसको जब काटेंगे तो ये टोटल आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हमें देखना है जो त्रिज्याखंड की परिमाप की चाप की लंबाई, ठीक है, त्रिज्याखंड की परिमाप की चाप की लंबाई है प्लस त्रिज्या, तो ये कितना है, 11 प्लस ये चाप की त्रिज्या कितना है 10.5, आइए 10.5 मतलब चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, ये 10.5 सेंटीमीटर, इस सब को जोड़ेंगे तो 32 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अब आपको यहाँ देखना है क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जो 36 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 54 पाई सेंटीमीटर है, तो इस त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई ज्ञात करना है। इस त्रिज्याखंड की क्या करना है, संगत चाप की लंबाई आपको ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है ये आज का आपका वर्कशीट फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स आप सभी के लिए इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले बॉक्सेस सॉल्व करके प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ताकि आप अपनी स्टडी को बेहतर तरीके से पुशअप करते रहें। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब इसको देखते हैं, त्रिज्याखंड की त्रिज्या की वृत्त की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 54 पाई सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 × π r², तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर सॉरी पाई दिया हुआ है, तो थीटा बटे 360 × π × 36 × 36, तो इसको जब डिडक्ट करेंगे तो 1 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से है ना दोस्तों, अब देखिए 54 पाई × 10 थीटा × π × 36, तो इस तो थीटा इक्वल टू 15 डिग्री होगा, 15
डिग्री होगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे बहुत ही प्रॉपर वे में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, चाप की लंबाई थीटा अपॉन में 360 टू पाई आर होता है, तो इसका जब आप 15 अपॉन में 360 अपॉन में 2 × 22/7 × 36, तो ये आप करेंगे तो ये आपका 66 अपॉन में 7, तो ये 9.42 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। ओके फ्रेंड्स, और कमेंट करना ना भूले ताकि मुझे पता चले आपको भी ये वर्कशीट बहुत अच्छा लगता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।